सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, रैंडम रिएक्शन में आपका फिर से स्वागत है। एक सेकंड मैं आप सबके सामने गा लेके गाने का ब्रेकडाउन लेके, अगर आप थंबनेल देख के आए तो बिल्कुल सही जगह आए। हम यहाँ रियल हिप हॉप को सपोर्ट करते हैं, मतलब अंडररेटेड आर्टिस्ट को। एंड आप यहाँ पर जो गाना सुनने आए हो वो है मेरे भाई इश्क बैक्टर का। एंड एक चीज़ बता दो, पहले मैं अंडररेटेड आर्टिस्ट को सपोर्ट करता हूँ। एंड अगर आपको सुनने का शौक है नए नए हिप हॉप के आर्टिस्ट को, प्यारे प्यारे खतरनाक ड्रिलर, बहुत खतरनाक जिन्हें जो मैं बताता हूँ, क्योंकि नई जनरेशन आ रही है ना रैप की, वो काफ़ी अलग है, कुछ ना कुछ नया यूज़ कर रही है, कुछ ना कुछ नया सीखती है। बाकी अगर आप उन्हें सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड हम लोग 900 सब्सक्राइबर टच कर चुके हैं, वैसे भी है, उससे प्लस ही में चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जल्दी से जल्दी इस मंथ में 1000 करवा दो और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है। बाकी देख लेना जितना तुम्हें सपोर्ट करना करना। बाकी इश्क बैक्टर भाई का गाना सुनने आए हो तुम, मुझे पता है जो हमने गाना बचपन से सुना है, मतलब बचपन में सुनते थे वो गाना है, साइड में स्क्रीन शेयर कर रखी है ए हिप हॉपर, ठीक है। इश्क बैक्टर सुनिधिया यार चौहान एंड अमृता, ठीक है। बाकी इश्क बैक्टर भाई का नाम काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि बचपन में मैंने उन्हीं का नाम सुना है और किसी का नहीं सुना। एंड भाई साहब वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा, सॉरी, बस हम सबसे एक चीज़ बोलने की ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर तुमने अभी तक ये गाना तुमने नहीं सुना ना, तो तुम्हारा बचपन बस बीत गया है। हमारा बचपन बीता था भाई साहब, वो गाना उस टाइम समझ में नहीं आता था, लेकिन अब सुनते हैं इस गाने का हमें कितना समझ में आता है, कितना परसेंट समझ में आता। चलो इश्क बैक्टर भाई के नाम पे ये साउंड कभी नहीं बोल सकता। म्यूजिक Yeah, just give me some hip hop, hip hop, hip hop, hip. Let's go. एक बात बताता हूँ इस गाने के बारे में, थोड़ी सी बात भाई। ये गाना बचपन में लगता था सिर्फ ये गाना है, लेकिन भाई ये गाना फीलिंग्स है। पूछो कैसे, इस गाने में बहुत सारी डबल मीनिंग वाली बातें हैं। स्टार्टिंग से तुम्हें पता लग गया होगा, बोलो तो कुछ मैं सब समझ में आता है, तुम हिप हॉप सुनने वाली जनता हो ना। सुनो म्यूजिक के साथ देखो, मेरे प्यार के दरिया में एक डुबकी लेना लो ना सर, बहुत मजा आ गया। लेकिन ये बात सुन के मेरा अब सुनना आता है ना यार। बख्शीश भी दिया तुझे बोनस भी है, तुझे सैलरी सब कुछ दे दिया, फिर भी तुझे क्या चाहिए। समझदार पब्लिक है वैसे, कमेंट में बताना तुम्हें कितना समझ में आता है। अब लिख समझ में आता है मतलब। यार देखो लड़की ऑलमोस्ट सैड हो गई, बस भाई ने इतना बोला था कि तू जा तू निकल, लड़की ने एक तरीके से भाई ने ये बोला था, तो लड़की सैड हो गई, सैड हो गई। एंड उस टाइम भी रिंग लाइट चलती थी, ये तुमने एक चीज़ देखी बेटा, रिंग लाइट काफ़ी टाइम से पहले चल रही है। रिंग लाइट देख लो, रिंग लाइट अब की नहीं है, रिंग लाइट बहुत टाइम पहले से चलती आ रही है। एंड तेरे घर के बर्तन शर्तन मांजती हूँ मैं बराबर, मेरे दिल के क्या कहते हैं पोछा कर दे अगर। ओहो मतलब वो हॉट लगती है पर वो मेरे फ्लेवर की नहीं है। She's my bae,
पार्ट टाइम नौ करा, हाँ ठीक है। तेरे प्यार की रिक्शा को एक धक्का दो ना सर। तो इसके बैक टू, ये बताओ मुझे क्या सोच के लिखा दिया गाना पहले? वॉकस बहुत अच्छी है इनकी। भाई जो तरीका था बोलने का ना, यहाँ कोई भी लड़का पिघल जाएगा, कोई भी पिघल जाएगा, लेकिन इश्क भाई को देख लो, तेज है ऐसी बात नहीं भाई। तो देखो देखो, सुनो सुनो उस तरीके को। मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, तू कब जा रही है, क्यों सता रही है, रुक 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 रुक, उसको पता जो चले तो होगा, वो सोचा ना होगा, फुट 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 फुट। मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है एंड उसको पता लगेगा ना, तो होगा वो जो तूने सोचा भी नहीं होगा, सोचा ना होगा, फुट 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 फुट। समझ रहे हो तुम? तुमने ये लाइन समझी? मुझे अब इस गाने का मतलब पूरा प्रॉपर पता लगने लग गया है, तो मैंने इसलिए गाना ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया है। तुम्हें पता है ना मैं कितना हरामी हूँ? तुम्हें पता है, तुम सबको पता है। वो बॉम्ब है, मुझे पसंद है, आई लाइक। समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो ना? बस करो बस। वैसे एक बात है जो ये है, सुनिधि चौहान, इनका मतलब इनकी वोकल्स बहुत ज़्यादा प्यारी है। ऐसी बात नहीं है कि अपने सिर्फ इश्क भाई की प्यारी है, नहीं नहीं इनकी भी प्यारी है एंड इनकी एक्टिंग प्यारी है। इनका इनका जो भी नाम है, मेरे को इनका नाम लग रहा है मुझे अमृता है, बट मुझे इनकी एक्टिंग प्यारी लगी काफ़ी ज़्यादा एंड पूरा लिरिक्स नीचे दे रखे हैं। मुझे तो समझ में आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जाकर चेकआउट करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको अपनी पुरानी मेमोरी जगानी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पुरानी मेमोरी दोबारा याद आ जाएगी कि भाई साहब मैं ऐसा करता था इस गाने में, मैं इस गाने में यहाँ घूमता था, हम इस गाने को फ़ोन में चलाते थे और फ़ोन को उल्टा पकड़ते थे ऐसे स्पीकर ऐसे करके। लेकिन भाई ये बहुत टाइम पहले आया था, 2009 में आया, जब मैं 9 साल का था, 2000 का बर्थ है मेरा, 9 साल का था मैं लिटरली जब का गाना। इतना पुराना गाना सुना रहा हूँ मैं तुमको, लेकिन भाई साहब ये मेरे को अभी भी फ्रेश लग रहा है, क्योंकि भाई फ्रेश ओल्ड इज़ अ गोल्ड एंड गोल्ड ऑल्सो ओल्ड, बट डायमंड कभी ओल्ड नहीं होता। बाकी हाँ, इश्क बैक्टर भाई के मेरे को काफ़ी गाने हैं जो अच्छे लगते हैं, अभी और भी गाने हैं तो मैं सुनाऊँगा, जो सुनाने वाला हूँ इसी, क्योंकि मुझे तुम बताना मुझे कि इश्क बैक्टर भाई का कौन सा गाना करें, ठीक है, भूलना मत। एंड गाने के अंदर भाई डबल मीनिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आगे पता लग गया एंड सर लो ना, बहुत ज़्यादा, एंड मेरे घर के पोछा मारते मेरे घर में आकर, बहुत सारे यार मैं क्या बता रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम मेरी वीडियो देख रहे ना, तुम्हें मज़ा आएगा, इतना मुझे पता है। बाकी अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पर मुझे इश्क बैक्टर भाई फॉलो करते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, भाई से बात कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, तुम भाई डाउन टू अर्थ हैं बहुत ज़्यादा। बाकी लिटरली यार एक एक बात तुम्हें बता ही दूं मैं, कि
मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे गाने तुम्हारे को और सुनाऊंगा जो तुम्हारी पुरानी याद है, तो मुझे बताता रहना, मैं तुम्हारे को सुनाता रहूंगा। बाकी देख लेना अपने हिसाब से कैसे सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं ना अनरिलेटेड आर्टिस्ट को सपोर्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ यार देन मुझे सपोर्ट कम मिलता है। एंड अगर सब्सक्राइब कर लोगे चैनल तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मिलते हैं ना वीडियो, अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे आर्टिस्ट के साथ, मिलते हैं इश्क वेक्टर भाई के अगले गाने के साथ, या फिर बाकी देख लेना अपने हिसाब से कैसे सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं ना वीडियो, अब तक के लिए बस इतना ही।